पौड़ी जनपद के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के पास जो ये जगह है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर खनन के पट्टे आवंटित किए गए हैं पौड़ी प्रशासन द्वारा। लेकिन यहाँ पे आरोप यह है कि जो खनन कारोबारी हैं वो अवैध खनन करते हुए टिहरी जनपद की सीमा में दाखिल हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कम से कम एक दर्जन बड़े ट्रक डंपर जिन्हें कहते हैं वो भरे जा रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जो बीच में आपको पानी दिखाई दे रहा है ये अलकनंदा नदी है और इसके दूसरी तरफ टिहरी जनपद है, वहाँ जाकर अवैध खनन करने का यहाँ पे आरोप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनी है जीवीके की, जिसकी वजह से ये पानी आपको कम दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन जब बरसात होगी तो ये पानी का स्तर बढ़ेगा और टिहरी और पौड़ी दोनों इलाकों में यहाँ पर जो कटाव है वो हो सकता है। और इस तरह से अगर अवैध खनन यहाँ पे होता है तो जो आसपास की बस्तियाँ हैं उनको खतरा पैदा हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे खनन का काम किया जा रहा है उसके लिए जो तोलने के लिए यहाँ पे जो कांटा लगा होता है या मशीन लगी होती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे रवाना जारी करे जा रहे हैं वो इन लोगों द्वारा, ये जो मुंशी हैं यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं और ये खाली यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं कि ट्रक कितने निकल रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रकों को भरा जा रहा है उसके लिए तुलान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिससे जो यहाँ पे खनन सामग्री है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे से निकासी की जा रही है, जिससे राजस्व का नुकसान भी सरकार को हो रहा है। यहाँ पर जब स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो सुनने में ये आया है कि जो स्थानीय सत्ताधारी दल के नेता हैं या जिनकी सरकार में पहुंच है उन्हीं लोगों के नज़दीकी इस खनन कारोबार को यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में पौड़ी और टिहरी का प्रशासन इन खनन कारोबारियों पर अंकुश लगा सके ये नामुमकिन लगता है। जागो उत्तराखंड के लिए श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।